एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार। असंभव और संभव के बीच का अंतर व्यक्ति के दृढ़ निश्चय पर निर्भर करता है। यदि हम सही मार्गदर्शन में, सही निर्देशन में किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो अच्छे परिणाम लाना ये असंभव नहीं है। विगत कई वर्षों से आलोक सर के कुशल निर्देशन में टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सभी परीक्षाओं में, अध्ययन के क्षेत्रों में छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन किया है। साथ ही साथ परिणाम के क्षेत्र में भी नए नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। आज इस कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एलटी ग्रेड, आर्मी, इन सब की परीक्षाओं के बारे में। जी हां दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में जो भर्ती होती है, जो परीक्षाएं होती हैं, उनके द्वारा जो नियुक्तियां होती हैं, आज हम उस विषय में आपसे बातचीत करने वाले हैं। अगर हम माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा शिक्षा का वह स्तर है जो उच्चतर शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के बीच एक पुल का कार्य करता है। माध्यमिक शिक्षा हमारे भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तर है। 1947 के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो शिक्षा के इस महत्वपूर्ण स्तर के लिए उद्देश्यों के पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता हुई, क्योंकि हमें नए समाज का निर्माण करना था, उस परिस्थिति के अनुकूल बालकों का विकास करना था, नए भारत का निर्माण करना था। इसी उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा के लिए मुदालियर आयोग का गठन किया गया था। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के बारे में सुधारों की बात की, कुछ नए नए इसमें पैटर्न जोड़े गए, और मुदालियर आयोग के बाद लगभग 1964 के आसपास माध्यमिक शिक्षा में और सुधार के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया। कोठारी आयोग ने मुदालियर आयोग में जो भी कमियां थी उसको संशोधित किया और माध्यमिक शिक्षा के स्तर को और भी सुगम और अच्छा बनाया। सभी राज्य अपने अपने मापदंड के आधार पर माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों का चयन करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों का चयन करती है। आपने हाल ही में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य माध्यमों से सुना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारी भर्ती माध्यमिक में होने वाली है, और आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी के बारे में नहीं जानते या इसकी तैयारी के पैटर्न के बारे में नहीं जानते तो यहां आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, केवीएस के लिए, इन सभी परीक्षाओं के लिए उच्च स्तर के शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य शुरू हो रहा है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की बायोलॉजी की परीक्षा के बारे में कि बायोलॉजी की परीक्षा में क्या क्या मानक होते हैं या आपकी विषय वस्तु क्या होती है। तो अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी के लिए कि विषय वस्तु क्या है या इसमें मापदंड क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष से 60 वर्ष तक का है, अगर कोई परीक्षार्थी 21 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक का है तो वह टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल है। और अगर हम बात करें टीजीटी की तो दोस्तों, टीजीटी ये ऐसे अध्यापक होते हैं जो 9वीं और 10वीं में पढ़ाते हैं, साथ ही साथ ये अध्यापक एडेड स्कूल में पढ़ाते हैं। एडेड स्कूल का मतलब ऐसे स्कूल जहां पर मैनेजिंग तो प्राइवेट होता है लेकिन जो शिक्षक नियुक्त होते हैं वो सरकार के द्वारा। अब अगर हम बात करें पीजीटी की तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहां जो अध्यापक होते हैं वह 11वीं और 12वीं तक पढ़ाते हैं, ठीक है ना, 11वीं और 12वीं तक पढ़ाते हैं यहां जो पीजीटी में शिक्षक होते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें हम यहां पर वेतनमान की तो टीजीटी और पीजीटी में वेतनमान अलग अलग होता है। देखिए, अगर आप टीजीटी की बात करेंगे
तो टीजीटी में क्या होता है, यहां पर जो वेतनमान होता है आपका वो होता है 46 यानी 4600 ग्रेड पे, ये होता है वेतनमान टीजीटी का ग्रेड पे। यानी कि प्रारंभिक वेतन जो आपको प्राप्त होगा जब आप जब टीचर बन के जाओगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा, तो जो आपका प्रारंभिक वेतन रहेगा वो 4600 रुपए ग्रेड पे के हिसाब से मिलेगा। और ये मान के चलिए कि प्रारंभिक वेतन आपका 48,000 से लेकर के 50,000 तक होगा। ये बात है टीजीटी के लिए। अगर हम बात करें पीजीटी की, तो 4800 रुपए ग्रेड पे के हिसाब से जो प्रारंभिक वेतन होगा पीजीटी में वो कितना होगा, लगभग 55,000 रुपए, 55,000 रुपए होगा पीजीटी के लिए, यानी जो 11वीं और 12वीं पढ़ाते हैं। प्लस 17% अगर डीए ऐड होगा, अगर 17% डीए ऐड हुआ तो यह वेतन आपका 10,000 और बढ़ जाएगा। ये चीजें होती हैं। और अगर यहां पर हम बात करें टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए, तो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी की। तो टीजीटी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तब हम बात करेंगे पीजीटी की। देखिए दोस्तों, अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो यदि कोई परीक्षार्थी विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री लिया हुआ है और साथ में उसने शिक्षा शास्त्र में साथ शिक्षा संकाय से स्नातक किया हुआ है, तो वह व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है। जैसे बीएससी प्लस बीएड, अगर शिक्षा शास्त्र से स्नातक है तो देखिए बीएससी प्लस बीएड, तो अगर कोई शिक्षार्थी बीएससी प्लस बीएड की डिग्री उसके पास है तो वह बिल्कुल एलिजिबल है टीजीटी बायोलॉजी के लिए। अब सबसे बड़ी बात विषयों के कॉम्बिनेशन की। देखिए दोस्तों, क्या होता है जूलॉजी, इसमें कुल मिलाकर के कई विषय होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, बॉटनी और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और साथ ही साथ फोटोग्राफी। यहां पर हम बात कर रहे हैं टीजीटी के बारे में, तो फोटोग्राफी भी होता है, ठीक है ना। अगर देखिए आपने जूलॉजी के साथ ये चारों विषयों में से कम दो विषय दो वर्ष पढ़ा है, अगर आपने दो विषय दो वर्ष पढ़ा है तो आप टीजीटी बायोलॉजी देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने जूलॉजी के साथ साथ दो वर्ष बॉटनी पढ़ा, तब भी आप टीजीटी बायोलॉजी दे सकते हो। अगर दो वर्ष आपने क्या किया, जूलॉजी के साथ दो वर्ष केमिस्ट्री पढ़ा है, तब भी आप दे सकते हो। अगर आप जूलॉजी के साथ दो वर्ष बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है, तब भी आप दे सकते हैं टीजीटी बायोलॉजी। अगर आपने जूलॉजी के साथ दो वर्ष फोटोग्राफी पढ़ा हुआ है, तब भी आप टीजीटी बायोलॉजी देने के लिए पूर्णतया योग्य हैं। और अगर बात करें यहां पर पीजीटी के बारे में, तो देखिए दोस्तों, पीजीटी में अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री ली हुई है जूलॉजी या बॉटनी विषय से, ठीक है, तो आप पीजीटी बायोलॉजी बिल्कुल दे सकते हैं। तो यहां पर आप मास्टर डिग्री यानी कि एमएससी अगर आपने किया हुआ है जूलॉजी से, या आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है बॉटनी से, ठीक है, या आपने जूलॉजी से किया हुआ या आपने बॉटनी से किया हुआ है, तो आप पीजीटी बायोलॉजी दे सकते हैं। बता दें आप सभी को कि बॉटनी के लिए अलग से कोई पोस्ट नहीं आती, जो पोस्ट आती है वो किस नाम से आती है, वो आती है पीजीटी बायोलॉजी के नाम से। किस नाम से आती है, वो पीजीटी बायोलॉजी के नाम से आती है, यानी बॉटनी के लिए अलग से कोई पोस्ट नहीं होती है। और बता दें आप सभी को कि सरकारें कभी कभी अपने इच्छा के अनुसार शैक्षणिक योग्यताओं को तय करती हैं। देखिए किस प्रकार मैं ये कह रहा हूं, एक्चुअली हुआ ऐसा था कि 2013 में, ठीक है ना, 2013 में एमएससी बायोकेमिस्ट्री को, एमएससी बायोकेमिस्ट्री को एलिजिबल माना गया था, ठीक है ना, और जिसने इंटरव्यू दिया था उसकी नियुक्ति भी हो गई थी, ठीक है ना, पीजीटी बायोलॉजी के लिए। लेकिन 2016 में अगर आपने एमएससी बायोकेमिस्ट्री किया हुआ है तो वह मान्य नहीं था।
तो 2013 में एमएससी बायोकेमिस्ट्री पीजीटी बायोलॉजी के लिए माना गया था, लेकिन 2016 में ऐसा नहीं माना गया, ठीक है ना, इसको नहीं माना गया। तो सरकार अपने अपने हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अपने अपने अनुसार विषयों की शैक्षणिक योग्यता को तय करती है। अब अगर हम बात करें यहां पर दोनों के लिए चयन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, तो अगर यहां पर हम चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, तो चयन प्रक्रिया तीन तरह से होती है। देखिए, चयन प्रक्रिया तो चयन प्रक्रिया अगर हम बात करें पहले पीजीटी के लिए, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पहले पीजीटी के लिए, तो चयन प्रक्रिया तीन प्रकार से होती है। पहला होता है लिखित परीक्षा, ठीक, पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 125 प्रश्नों का आपका एक प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब लिखित परीक्षा के बाद दूसरी स्टेज होती है विशिष्ट योग्यता की। अगर आपके पास कोई विशिष्ट योग्यता है, तब भी आपको यहां से कुछ ना कुछ अंक मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और देखिए थर्ड पोजीशन क्या होती है, यहां पर साक्षात्कार। तो तीन स्टेज होती है यहां पर चयन प्रक्रिया की। और अगर हम टीजीटी की बात करें, टीजीटी बायोलॉजी की बात करें, तो यहां पर जो पहली प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा होगी। यहां भी लिखित परीक्षा, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, ठीक है ना, 125 प्रश्नों की, ठीक। और सेकंड दोस्तों, यहां पर अगर आपके पास कोई विशिष्ट योग्यता है तो आप एलिजिबल हैं, विशिष्ट योग्यता है तो आप एलिजिबल हैं। और हो सकता है वर्तमान में नए विज्ञापन में साक्षात्कार खत्म हो जाए टीजीटी में, क्योंकि एलटी ग्रेड जो कि टीजीटी के समकक्ष है, एलटी ग्रेड में साक्षात्कार नहीं हुआ था, ठीक है ना, एलटी ग्रेड की परीक्षा में साक्षात्कार नहीं हुआ था, जबकि एलटी ग्रेड समकक्ष किसके होती है, टीजीटी के। तो हो सकता है नए विज्ञापन में टीजीटी में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू को खत्म कर दिया जाए। तो दो चरणों में यहां पर परीक्षाएं हो सकती हैं। साथ ही साथ हम लोग शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहे हैं ना, तो बता दें आप सभी को, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने टीजीटी की परीक्षा करवाई थी, जहां पर जीएस के प्रश्न भी इंक्लूड थे। तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो कि अब जो नया विज्ञापन आएगा, वहां टीजीटी में कुछ ना कुछ प्रश्न जीएस के भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तो आपने देखा यहां पर चयन प्रक्रिया, अब यहां पर अंकों के विभाजन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि अंकों का विभाजन किस प्रकार से होता है। देखिए, अगर हम अंकों के विभाजन की बात करें, अंकों का विभाजन, ठीक है, तो अगर अंकों के विभाजन की बात की जाए टीजीटी और पीजीटी के लिए, देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे पीजीटी के बारे में। तो दोस्तों, यहां जो लिखित परीक्षाएं होंगी आपकी, जो आपकी लिखित परीक्षाएं होंगी, लिखित परीक्षा, इसमें आपको कितने अंक मिलने वाले हैं, या जो विशिष्ट योग्यताएं हैं कितने अंक मिलने वाले हैं, कुल 500 अंकों का यह आपकी परीक्षा होती। कुल कितने अंक होते हैं, 500 अंक, जिसमें लिखित परीक्षा से 85% अंक यानी कि 425 अंक आपको कैसे मिलते हैं, लिखित परीक्षा के द्वारा। उसके बाद यहां पर हम लोग बात करते हैं विशिष्ट योग्यता की। तो विशिष्ट योग्यता की यदि बात की जाए, विशिष्ट योग्यता की, तो यदि आपने पीएचडी या फिर डीफिल किया हुआ है, चूंकि देखिए जितने विश्वविद्यालय हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, वो पीएचडी की डिग्री देती हैं, लेकिन इलाहाबाद समेत एक दो विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो पीएचडी के स्थान पर डीफिल की उपाधियां देते हैं। तो अगर आपने पीएचडी किया हुआ है या फिर आपने डीफिल किया हुआ है, तो 2% अंक यानी कि आपको 10 अंक प्रदान होंगे। यदि आपने एमएड किया हुआ है, ठीक है ना, तो एमएड से आपको 1% अंक यानी कि 5 अंक। यदि आपने बीएड किया हुआ है, तो बीएड से आपको
कितना 1% अंक यानी कि 5 अंक, और यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में अगर आपने भाग लिया है तो यहां भी आपको 1% अंक यानी कि 5 नंबर दिए जाएंगे। और अंतिम जो चरण होता है वो होता है साक्षात्कार का पीजीटी के लिए, ठीक है ना। यहां अभी साक्षात्कार खत्म होने की कोई बात नहीं आई हुई है, तो यहां पर साक्षात्कार के द्वारा आपको 10% अंक दिए जाएंगे यानी कि 50 अंकों का आपका साक्षात्कार होगा, ठीक है ना। 25 अंक आपको विशिष्ट योग्यता से दिए जाएंगे। अब यदि बात की जाए यहां पर टीजीटी के बारे में, तो जो नया पैटर्न सुनने में आ रहा है कि हो सकता है अगर टीजीटी में साक्षात्कार खत्म होता है तो 500 अंकों की परीक्षा में लिखित परीक्षा के द्वारा आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 95%। यानी जो 95% आपके अंक हैं वो किससे मिलेंगे, केवल और केवल आपको लिखित परीक्षा से मिलेंगे। और फिर इसमें बात करेंगे विशिष्ट योग्यता की, तो विशिष्ट योग्यता अगर आपने पीएचडी या डीफिल की डिग्री ली हुई है, पीएचडी या डीफिल, तो दोस्तों आपको यहां से 2% अंक मिलेंगे यानी कि 10 अंक। और अगर आपने एमएड किया हुआ है तो एमएड से आपको 1% अंक, और अगर आपने बीएड भी किया हुआ है तो यहां से भी आपको 1% अंक मिलेगा। और यदि राष्ट्रीय स्तर पर आपने किसी खेल कूद में भाग लिया है तो 1%, यानी कि 25 अंक आपको यहां से, लगभग 5% अंक आपको यहां से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो 25 अंक आपको यहां से मिल जा रहे हैं दोस्तों, और ध्यान देना 95% अंक आपको कहां से मिल रहे हैं, ये अंक आपको मिल रहे हैं लिखित परीक्षा से। लेकिन हो सकता है अगर साक्षात्कार होगा तो यहां से 10% कहां आ जाएगा साक्षात्कार में, वो जुड़ जाएगा, वो एड हो जाएगा। और यहां देखिए जो टीजीटी की परीक्षा होती है इसके लिए बीएड की अनिवार्यता है, और पीजीटी के लिए बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी परीक्षा के बारे में। अब हम बात करेंगे पीजीटी बायोलॉजी के विषय में दोस्तों। तो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी किताबें हैं जिससे, देखिए क्या होता है कि हम लोग क्लासेस अटेंड करते हैं वो सही होता है, क्लासेस करेंगे आपको संस्थान के माध्यम से, जितना भी क्वेश्चन होगा बार आपको जितना टॉपिक खत्म होगा हर टॉपिक के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, आपको पीडीएफ नोट मिलेगा पूरी कंप्लीट जितनी क्लास करेंगे आप, साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट यानी हाथ से लिखा हुआ नोट भी प्रदान किया जाएगा। लेकिन इतने ब्रॉड लेवल पर तैयारी करने के लिए हमें कुछ ना कुछ किताब की आवश्यकता होती है, तो जल्दी से बताऊंगा मैं आप सभी को कि कौन कौन सी किताबें हमारे लिए एक सही हो सकती है। दोस्तों अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी के लिए आप लोग देखिए लोअर बॉटनी जहां पर कुछ फाइलम दिया गया है इसके लिए सिंह पांडे जैन को आप पढ़ सकते हो, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आप एचएन श्रीवास्तव की किताब को पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कंप्लीट बॉटनी पढ़नी है इन दोनों को तब मत लीजिएगा, तो आप क्या लेंगे कुमार एन मलिक को ले सकते हैं। और अगर यहां पर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी के लिए इनवर्टिब्रेट, ठीक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन खूब पूछता है यहां इनवर्टिब्रेट से, तो इसके लिए आरएल कोटवाल पढ़ सकते हैं। और अगर वर्टिब्रेट की बात करें तो आरएल कोटवाल या ईएल जॉर्डन, ईएल जॉर्डन में आपको रेफरेंस दूंगा, अच्छी किताब है। और साथ ही साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए दोस्तों गाइटन एंड हॉल अच्छी है, ठीक है इसको आप पढ़ सकते हैं। और जेनेटिक्स अगर आपको समझ में नहीं आती है तो इसको बढ़िया से पढ़ने के लिए गार्डनर को आप पढ़ सकते हो। लेकिन अब अगर इन किताबों को आप नहीं ले पाते हैं, अगर आप सोचते हैं कि कुछ कम से कम किताबें हम ले और हमारी तैयारी अच्छी हो जाए, तो मैं आपको कुछ कोर बुक सजेस्ट करूंगा। यहां पर जैसे बॉटनी के लिए मैं हमेशा कहूंगा कि कुमार एंड मलिक पढ़िए आप, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग दोस्तों बायोलॉजी के लिए, तो ट्रूमेंस एलिमेंट्री बायोलॉजी 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, तो ट्रूमेंस एलिमेंट्री बायोलॉजी को आप ले सकते हो। साथ ही साथ इनवर्टिब्रेट के लिए आरएल कोटवाल, वर्टिब्रेट के लिए आरएल कोटवाल, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप पहली बार दे रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी समझना होगा, जिसके लिए आपको यूथ की या घटना चक्र की जूलॉजी और बॉटनी की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पढ़नी चाहिए। अब यहां पर हम बात करेंगे आप सभी से सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है, हमारा पैटर्न क्या है परीक्षा का, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर हम सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले टीजीटी पीजीटी जूलॉजी के लिए बात करेंगे। देखिए
सबसे पहले लोअर नॉन का डेटा, सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं लोअर नॉन का डेटा से। दोस्तों इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, लोअर नॉन का डेटा में सबसे पहले क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या है, नेचर, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल और हैबिटेट। यानी यहां पर जो भी, यहां पर जितने भी प्राणी, प्राणियों से क्वेश्चन आएगा उन सबके बारे में क्लासिफिकेशन, उनकी प्रकृति क्या है, बनावट क्या है, रचना क्या है, उनसे रोग कौन सा होता है, उनका निवास कहां है, वो रहते कहां है, इन सभी से क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए यहां बात करेंगे पहले संघ की, प्रोटोजोआ। ठीक है दोस्तों, प्रोटोजोआ से प्रीवियस एग्जाम में यानी कि 2016 पीजीटी में 3 प्रश्न आए हुए थे केवल प्रोटोजोआ से ही, कि प्रोटोजोआ किस अवस्था में हमारे लिए हानिकारक होता है, कौन सा आंतरिक परजीवी होता है, तो इस तरह से यानी कौन सा प्रोटोजोआ आंतरिक परजीवी कहलाता है और किस अवस्था में प्रोटोजोआ हमारे लिए हानिकारक होता है, तो ऐसे प्रश्न आए हुए थे पिछली बार की परीक्षा में पीजीटी के एग्जाम में। तो प्रोटोजोआ देखिए एंट अमीबा, तो एंट अमीबा का नेचर क्या है, किस लिए हमारे लिए हानिकारक होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा जिंजिबैलिस, ठीक है इसकी बनावट के बारे में। और दोस्तों प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या है, प्लाज्मोडियम कितने प्रकार का होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन यहां से आएंगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद पैरामीशियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैरामीशियम में किस प्रकार का जनन होता है, उसमें गमन कैसे कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, इस बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कैसे यह आगे चलता है। युगलिना सेम चीज है दोस्तों, युगलिना के बारे में क्या इसकी हानियां है, क्या इसकी लाइफ साइकिल है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे देखिए पोरीफेरा आएगा, पोरीफेरा में हम पढ़ेंगे जो पोरीफेरा इसको क्यों कहते हैं, इसमें जो पोर होते हैं छिद्र होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, छिद्रों के माध्यम से पोरीफेरा के जीव कैसे कैसे कौन सा कार्य करते हैं। यहां ल्यूसोसिलेनिया है बहुत इंपॉर्टेंट और साइकॉन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों से क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों को हम यहां पर समझेंगे। अब देखिए अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा की, ठीक है ना, तो सिलेंट्रेटा में आपको प्रमुख रूप से 3 चीजें पढ़नी होंगी, पहला हाइड्रा, ओवेलिया और ऑरेलिया आपको पढ़ना होगा। तो अगर हाइड्रा की बात करें तो यहां से क्वेश्चन बनता है भाई सबसे पहले लोकोमोशन किस में हुआ था, लोकोमोशन यानी कि शरीर में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता किस प्राणी में विकसित हुई थी, या सबसे पहले नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट किस में हुआ था। हाइड्रा की एक विशेषता है, हाइड्रा में ब्लड नहीं होता लेकिन फिर भी यह इंटरनल रेस्पायरेशन करता है, तो यह क्यों करता है, कैसे करता है, किस किस ऑर्गन से करता है, इसकी बात करेंगे हम लोग हाइड्रा में। उसके बाद दोस्तों ओवेलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑरेलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ेंगे प्लैटीहेल्मिंथीज में, दोस्तों प्लैटीहेल्मिंथीज जब पढ़ेंगे तो यहां पर प्लैटीहेल्मिंथीज में जैसे आप देख रहे हो फासियोला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रीवियस में आया हुआ है। टीनिया, टीनिया के क्या क्या नुकसान है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, टेनिया कपैटिस, टेनिया पेडिस, ये सब ऐसे ऐसे जीव हैं जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। और अंत में देखिए स्कैरीज, ठीक है ना, स्कैरीज से भी क्वेश्चन आता है। चलिए आगे, अब दोस्तों आगे हम देखते हैं एनिलीडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलीडा में नेरिस, क्या इसका शरीर खंडयुक्त होता है और कैसे कैसे खंड होते हैं, साथ ही साथ दोस्तों देखिए फेरेंटुमा पोस्थुमा से पूछता है, ठीक है ना, कि किस खंड में फेरेंटुमा पोस्थुमा अर्थात केचुआ में किस खंड में लैंगिक अंग होते हैं, किस कितने खंड होते हैं, कौन कौन से खंडों में क्या क्या होता है, और साथ में हिरोडिनेरिया जिसको हम जोक कहते हैं यहां से क्वेश्चन बनता है, इंडियन लीच इसको जोक कहते हैं तो यहां से क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो आर्थ्रोपोडा है, कीट वर्ग है, दोस्तों कीट वर्ग में सबसे पहले क्या है, पेरीप्लैनेट, ठीक है ना, पेरीप्लैनेट यानी कि कॉकरोच के बारे में, साथ ही साथ इसको हम कॉकरोच कहते हैं दोस्तों, साथ ही साथ हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है उसके बारे में, और मॉस्किटो यानी मच्छर के बारे में, और प्राण यानी कि झींगा के बारे में। इन सबकी लाइफ साइकिल क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इन सबका, इनके अंगों की बनावट कैसी होती है, क्या क्या इनका कैरेक्टर है, और साथ ही साथ इनके इनके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है, हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद दोस्तों आता है मोलस्का, तो मोलस्का में सीप और घोंघा, ठीक है ना, यूनियो और पाइला आपका,
सीप और घोंघा, यूनियो और पाइला, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनमें गमन कैसा होता है, इनका ब्लड कैसा होता है, कि वो इनमें नीला ब्लड होता है, ये सारे पॉइंट्स यहां पर पढ़ेंगे हम। उसके बाद देखिए इकाइनोडर्मेटा, ठीक है दोस्तों। तो एस्टेरियाज, एस्टेरियाज का मतलब होता है स्टार फिश। तो स्टार फिश के बारे में हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत, स्टार फिश के बारे में पूरा स्ट्रक्चर इसका। चलिए आगे दोस्तों बढ़ेंगे। अब देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा अभी तक लोअर नॉन कार्डेटा, और अब यहां पर क्या है, कार्डेटा है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कार्डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला प्रोटोकार्डेटा है, जहां पर हार्डमेनिया और एम्फियोक्सस, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हार्डमेनिया और एम्फियोक्सस के बारे में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद देखिए जो वर्टिब्रेट होते हैं, कसोरिकी होते हैं, यहां सबसे पहले क्या है, पीसेज, यानी कि मछली वर्ग। जो मछली वर्ग होता है उसमें कौन सी मछली का अध्ययन करना है आप सभी को, डॉग फिश का। डॉग फिश को क्या कहते हैं, स्कॉलिडॉन कहते हैं। तो स्कॉलिडॉन के बारे में सभी चीजें, इसके हार्ट का फंक्शन, ब्लड किस प्रकार का होता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, पूरा इसका स्ट्रक्चर। और साथ देखिए एम्फीबिया यानी कि उभयचर। तो एम्फीबिया में आपको राना टिग्रिना यानी मेंढक के बारे में पूरा पढ़ना है, किस प्रकार से इसमें पदांगुलियां होती हैं, इसके हार्ट का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, इसमें श्वसन कैसे कैसे होता है, सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। फिर देखिए आप यहां पर दिया हुआ रैप्टेलिया, रैप्टेलिया का मतलब रेंगने वाला सरीसृप। तो सरीसृप दोस्तों यूरोमैस्टिक्स यानी कि अफ्रीकन छिपकली के बारे में अध्ययन करना होगा। और अंत में एवेस क्लास, तो एवेस का मतलब होता है, एवेस का मतलब है कोलंबा, और कोलंबा हम किसको कहते हैं, कोलंबा हम कहते हैं कबूतर को। तो एवेस को भी आपको समझना है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही कॉर्डेटा की बात। अब यहां पर हम बात करेंगे साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। तो अगर हम साइटोलॉजी की बात करें, तो साइटोलॉजी का जो कोशिका है उसमें प्रोटोप्लाज्म क्या है, ठीक है, यानी जीवद्रव्य के बारे में पूरे पॉइंट्स पढ़ना है, किस प्रकार से हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग अलग प्रकार से डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक्स क्या है, यूकैरियोटिक्स क्या है, किस प्रकार से जीव अपना विकास करता है वो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में, और यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, प्लास्टिड का क्या फंक्शन है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है, किस प्रकार से लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और कोशिका में अपशिष्ट का पाचन करते हैं, लाइसोसोम किस प्रकार से अपने आप को नष्ट कर लेता है, या कैसे जो गाल्जी बॉडी होता है वो कोशिका में ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको सेल ऑर्गेनेल से समझना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जानना होगा क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, या फिर सबसे बड़ी बात है न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर, तो आपको यहां समझना पड़ेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, राइबोसोम क्या है, ओपन राइबोसोम क्या होता है, क्लोज राइबोसोम क्या होता है, या कोशिका में प्रोटीन का सिंथेसिस कैसा होता है, और सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, मियोसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस, ये सारे पॉइंट हम यहां समझेंगे। फिर देखिए दोस्तों आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर आपको लिंकेज समझना होगा, लिंकेज क्या होता है, या जीन एक्सचेंज क्या है, या यूजेनिक्स क्या होता है, जननांकिकी किसे कहते हैं, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से जनरेशन होता है, किस प्रकार से उत्परिवर्तन होता है, ये सब पॉइंट पढ़ेंगे। आगे देखिए एवोल्यूशन यानी कि जैव विकास। कोई भी जीव होता है वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, और इसी क्षेत्र में लैमार्क और डार्विन ने अपने अपने सिद्धांत दिए। लैमार्क और डार्विन के सिद्धांत के साथ साथ कुछ नए सिद्धांत भी एवोल्यूशन में वर्तमान में आए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर लैमार्किज्म पढ़ेंगे, इनका पुराना सिद्धांत और नया सिद्धांत, यहां पर डार्विनिज्म पढ़ेंगे, नया सिद्धांत और पुराना सिद्धांत, और साथ ही साथ ह्यूमन एवोल्यूशन, किस प्रकार से मानव का जैविक विकास हुआ, ठीक है ना, किस प्रकार से मानव ने अपने आप को डेवलप किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगला हमारा टॉपिक आएगा यहां पर नेक्स्ट में बायो मॉलिक्यूल, यानी कि किसी जैविक किसी जीव के लिए कौन कौन से जैविक पदार्थ आवश्यक होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, जहां पर आप पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट, किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है,
ठीक है, सीएचओ का क्या इसमें परसेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, ग्लाइकोजन का फंक्शन क्या है, ग्लूकोज का फंक्शन क्या होता है, स्टार्च, सेल्यूलोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, इन सारे के पॉइंट्स के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ सेलुलर फ्यूल क्या है, कॉर्न सुगर, ब्लड सुगर या ग्रेप सुगर क्या है, फ्रूट सुगर क्या होती है, मिल्क सुगर क्या है, केन सुगर क्या है, ये सारे पॉइंट्स आप कार्बोहाइड्रेट में जाओगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहां प्रोटीन की। तो हमें पता है प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड होता है दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन भी होता है प्लस सीएचओ और सल्फर भी होता है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे शरीर में नए अंगों का निर्माण, कटे फटे अंगों की मरम्मत के लिए होता है, साथ ही साथ कुछ जैविक क्रियाओं को उत्तेजित भी करते हैं एंजाइम के रूप में। तो प्रोटीन के स्रोत पढ़ेंगे, प्रोटीन के फंक्शन पढ़ेंगे, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए फैट, तो किस प्रकार से क्यों फैट ये अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्यों वसा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ढाई गुना अधिक ऊर्जा मिलती है, क्यों वसा जल में घुलनशील है पर जल में अघुलनशील है परंतु अल्कोहल में या फिर एल्डिहाइड में, इथर में घुलनशील होती है, किस प्रकार से वसा हमारे बॉडी में फंक्शन करती है और कैसे ग्लाइकोजन में चेंज होती है, ये सारे पॉइंट्स। एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, एंजाइम और हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं, ठीक है ना। तो हार्मोन और एंजाइम के बारे में सारे पॉइंट्स कि हमारी लार में कौन सा एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम, या हमारे जो पैंक्रियाज होता है वहां से कौन सा एंजाइम निकलता है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसी में आगे बढ़ेंगे। अब आगे है ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव अंग तंत्र। मानव अंग तंत्र भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, सबसे फेवरेट टॉपिक होता है ये बच्चों का, ठीक है दोस्तों। लेकिन ध्यान देना, ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पिछले कुछ समय से थोड़ा सा कम बन रहे हैं लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है, अवशोषण कैसे होता है, स्वांगीकरण कैसे होता है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। डाइजेशन क्या है, इनडाइजेशन क्या क्या होता है, या दांत के प्रकार, टीथ टाइप ऑफ टीथ, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स, टीथ फॉर्मूला, किस प्रकार से बच्चों में दांत कितने होते हैं, ये सारे पॉइंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ टंग, यहां पर जीभ क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से जीभ में पुनरुद्भवन ज्यादा होता है, जीभ में टेस्ट बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। साथ ही साथ यहां पर ओइसोफेगस, स्टमक, ठीक है दोस्तों, पैंक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। तो कितने प्रकार का होता है, एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या होता है, ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं, अनाक्सी किसे कहते हैं, यहां पर ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से हमारी श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है, किस जगह पर ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। फिर दोस्तों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है वो किस प्रकार का होता है, आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, हार्ट कैसे कैसे पंप करता है, डायस्टोल, सिस्टोल या फिर हार्ट अटैक कैसे कैसे होता है, दोस्तों पूरा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, यहां देखिए, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ये सारे पॉइंट्स। फिर आपका दिया हुआ एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र, हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले वेस्ट मटेरियल को बाहर करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं उस क्रिया को, और जो ऑर्गन ऐसा करते हैं उनको हम एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहते हैं। यहां पर किडनी का फंक्शन, नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर लीवर के बारे में, लंग्स के बारे में और स्किन के बारे में पूरे पॉइंट्स, ठीक है। और फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो यहां देखिए एंडोक्राइन सिस्टम दिया हुआ है, अंतःस्रावी तंत्र। तो टाइप ऑफ ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या होती है दोस्तों, या साथ ही साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, मिक्स ग्लैंड क्या है,
जितने भी हार्मोन निकलते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, टीएसएच, एसटीएच हार्मोन, लव हार्मोन, सेक्स हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन, इन सब के बारे में बात करेंगे। किसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, किसको हम ग्रैंड मास्टर ग्लैंड कहते हैं, किसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, साथ ही साथ कौन सी इमरजेंसी ग्लैंड होती है, ग्लैंड इन ग्लैंड किसे कहते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप इंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे। और अंत में देखिए आपका है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाएं क्या होती हैं, तंत्रिकाओं की बनावट क्या है, एक्सॉन क्या है, एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है, डेंड्रॉन क्या है, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में साइटोन क्या है, पूरा पॉइंट पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे तंत्रिकाओं में जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है कैसे वो केमिकल एनर्जी में चेंज होता है और कैसे केमिकल इंपल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, सारी बातें करेंगे हम लोग। प्लस यहाँ पर सेरेबेलम, सेरेब्रम या फिर जितने भाग होते हैं हमारे ब्रेन के उनके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या है मानव प्रजनन तंत्र, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, किस जनन अंग का क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या फंक्शन उसका होता है, चाहे ओवरी हो या फिर दोस्तों यूटरस हो, ठीक है ना, इसके साथ साथ जो पूरा फंक्शन होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो जूलॉजी में लास्ट टाइम देखिए आपका क्या आएगा, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी इसको कहते हैं। अगर हम पारिस्थितिकी के बारे में बात करें तो पारिस्थितिकी में दो चीजें, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार क्या है, ठीक है ना, किस प्रकार इकोसिस्टम को हम मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र और या फिर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बांट सकते हैं। यहां हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में कि खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, चारण खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ देखिए यहां पर अंत में क्या है, पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है ना, सॉइल पोल्यूशन। तो पोल्यूशन क्या है या पोल्यूशन से होने वाले डिजीज कौन कौन से होते हैं और इन डिजीज या पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम लोग कहां पढ़ेंगे, ये इकोलॉजी में। फिर देखिए आप दिया हुआ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सम एनिमल, यानी कुछ जंतु ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व रखते हैं। तो आर्थिक महत्वपूर्ण स्तर के जंतुओं को पढ़ने के लिए आपको यहां पर एक चैप्टर और पढ़ना होगा। जैसे हम यहां पर पढ़ेंगे हनी बी के बारे में, मधुमक्खी है, मधुमक्खी के बारे में, रेशम कीट के बारे में, सब आर्थिक महत्व के कीट हैं तो इनसे हमें लाभ मिलता है। तो मधुमक्खी है, रेशम कीट है, या दोस्तों मछलियां हैं, इन सब के बारे में आपको, पोल्ट्रीज है या फिशरीज है, इसके बारे में आपको अलग से यहां पर पढ़ना होगा। फिर देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो टीजीटी पीजीटी बॉटनी की बात करेंगे, क्योंकि यह भी बहुत ब्रॉड सिलेबस है बॉटनी का भी, और बॉटनी से भी लगभग अगर बायोलॉजी से 63 क्वेश्चन आएगा जूलॉजी से, तो जूलॉजी से 63 क्वेश्चन और 62 क्वेश्चन आता है आपका बॉटनी से, क्वेश्चन का रेशियो यही रहता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तो यहां पर सबसे पहले पेंटा किंगडम क्लासिफिकेशन या जिसको हम कहते हैं माइक्रो किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से 5 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, उसके बाद आपका फंजाई है, प्लांटी और एनिमेलिया, तो किस प्रकार से 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है तो यहां हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, 5 भागों का वर्गीकरण, 4 भागों का वर्गीकरण या 3 भागों का वर्गीकरण, ठीक है। तो पेंडा किंगडम क्लासिफिकेशन में आप क्या पढ़ोगे, यहां पर आने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी प्लांट होते हैं उन प्लांट्स के क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर, स्ट्रक्चर, नेचर, लाइफ साइकिल और उनका इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे हम अगर आगे बढ़े तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, वायरस। तो वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वायरस कैसे प्रोटीन और आरएनए का बना होता है, किस प्रकार से वायरस को क्रिस्टल से भी हम बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या वायरस से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस प्रकार से ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक चेन की तरह कार्य करता है, और टीएमवी वायरस, वाईवीएम वायरस, इन सब वायरस के बारे में, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, इन सब के बारे में
यहां से क्वेश्चन बनता है। फिर हम आगे बढ़े तो बैक्टीरिया दिया हुआ है, जीवाणु, तो इसका निवास स्थान कहां है, इसका कैरेक्टर क्या है, क्या इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, या जीवाणु के आर्थिक महत्व क्या है, जैसे लैक्टोबैसिलस है, एस्ट्रोबैक्टर एसेटी है, या राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन आता है, और साथ ही साथ इनसे नुकसान क्या होता है, किस प्रकार से ये रोग फैलाते हैं, उनसे भी क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। अगर हम लाइकेन की दोस्तों बात करें तो लाइकेन किस प्रकार से माइकोबायंट और फाइकोबायंट होता है, इसका मतलब देखिए क्या है, माइकोबायंट और फाइकोबायंट का मतलब ये है कि इस लाइकेन को सुरक्षा कैसे मिलती है, यह मिलती है कवक से, और इसको भोजन कहां से मिलता है, वो मिलता है एल्गी से, तो ऐसे पॉइंट यहां से बनते हैं। प्लस लाइकेन का आर्थिक महत्व है क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के लिए जैसे बुखार, उल्टी, मिर्गी, इन सब के उपचार के लिए लाइकेन का प्रयोग होता है, लिटमस पेपर लाइकेन से मिलता है, क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम एल्गी की बात करें तो जहां पानी होता है वहां काई बनती है, उसी काई को हम शैवाल या एल्गी कहते हैं। शैवाल किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की क्रिया सूर्य के प्रकाश के बिना कर लेता है, इसके बारे में, और ये ऑटोट्रॉफ है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका नेचर क्या है, एक कोशिकी है कि बहुकोशिकी है, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, ये पॉइंट एल्गी से हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे शैवाल है जैसे ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ये लाल कैसे होता है, लाल सागर तभी तो लाल है, या फिर कछुआ होता है बड़ा बड़ा, कछुए की पीठ पर चट्टानों पर प्रोटोडर्मा नामक शैवाल उगता है। क्लोरेला का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, औषधि में करते हैं और अंतरिक्ष यान में करते हैं। लेमिनेरिया, ग्रैसिलेरिया, अल्वा, नोस्टोक, ये ऐसे ऐसे शैवाल है जहां से निरंतर प्रश्न आपका बना हुआ है। फिर हम आगे बढ़े दोस्तों, आगे क्या है, फंजाई, फंजाई यानी कि कवक, ठीक है ना। ये कवक क्या होता है, ये होता है हेटरोट्रॉफ, एक्चुअली में ये परजीवी भी है, सहजीवी भी है, यानी कि पैरासाइटिक भी है, सिम्बायोटिक भी है और सेप्रोजोइक भी है, ठीक है, ये तीनों होता है। तो इसके बारे में जैसे म्यूकस, राइजोपस, एस्परजिलस, ठीक है, कुछ ऐसे कवक हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके बारे में हमें डिटेल में अध्ययन करना होगा। और कवक को ही हमने कवक और इष्ट दो भागों में डिवाइड किया, तो इष्ट का आर्थिक महत्व, जैसे कि ताड़ी पूछा गया है, ताड़ी कैसे बनती है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेबीसी से, बता दें आप सभी को कवक से एंटीबायोटिक पहली बनाई गई थी पेनिसिलिन, पेनिसिलिनियम नोटेटम के द्वारा। तो कवक के आर्थिक महत्व क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे हम लोग मशरूम का प्रयोग करते हैं रसेदार सब्जी के रूप में, तो इसकी लाइफ साइकिल के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और फिर देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स का दोस्तों मतलब यह है कि ये पौधों का वह प्रकार है ब्रायोफाइट। इस ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, यानी पादप जगत का उभयचर। और इसे पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पौधे का वह प्रकार है जो सबसे अधिक आर्द्रता वाले स्थान पर होता है। प्लस इसको हम प्रथम स्थलीय पौधा कहते हैं, क्योंकि स्थल भाग पर आने वाले पौधे यही थे। इसमें हम डिवाइड करते हैं इन सभी को दोस्तों कि इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, इनमें आने वाले जो प्लांट हैं जैसे स्फेगनम, मास, एजोला, ठीक है ना, फर्न, जो एजोला होता है उसका प्रयोग जैविक खाद के रूप में होता है धान की खेत में। स्फेगनम का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, जैसे इससे चिराग और बत्ती बनती है, मास से औषधियां बनती हैं, तो इनके जो इनके इंपॉर्टेंस हैं इकोनॉमिकल, उनको समझना होगा। फिर देखिए आप टेरिडोफाइट्स, अब अगर टेरिडोफाइट्स की बात करें तो सबसे अधिक प्लांट इसी में आते हैं, और टेरिडोफाइट वो प्लांट है जिसमें सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ था, संवहनी ऊतक सबसे पहले यहीं पर विकसित हुआ था। तो टेरिडोफाइट के बारे में सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे। अब अगर हम आगे बढ़े दोस्तों तो आगे क्या है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावृत बीजी, यानी ऐसे पौधे जिनके सीड कवरलेस होते हैं, उन पर कोई कवर नहीं होता है, विदाउट एनी कवर, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ेंगे सिनकोना है, चीड़ है, देवदार है, ठीक है ना, इन सभी के आर्थिक महत्व के बारे में। एक्चुअली ये पौधे कैसे होते हैं, लिथोफाइट होते हैं, चट्टानों पर अधिकतम होते हैं, बहुत विशाल पौधे होते हैं, सॉरी बहुत विशाल वृक्ष होते हैं, इनका जीवन चक्र बहुवर्षीय होता है, इसके बारे में पूरा पॉइंट। फिर देखिए दोस्तों पेलियोबॉटनी,
पेलियोबॉटनी का मतलब यह फॉसिल्स के बारे में, यानी जीवाश्म के बारे में अध्ययन। तो जीवाश्म अध्ययन हम लोग करेंगे, जीवाश्म के बारे में किस प्रकार से उनकी एज निकाली जाए, ठीक है ना, कार्बन 14, ठीक है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे आगे। अब देखिए उसके बाद फिर क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी कि यहां पर हम एरा का अध्ययन करेंगे, काल का अध्ययन करेंगे कि किस काल में जीवन की उत्पत्ति हुई, किस काल में प्रोकैरियोटिक, किस काल में यूकैरियोटिक, किस काल में ब्रायोफाइट, किस काल में टेरिडोफाइट, ये सारे जो एरा है, काल विभाजन है, उसका अध्ययन आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल में करेंगे। और फिर हम बात करेंगे आगे प्लांट सेल के बारे में, जहां पर प्लांट सेल का कैरेक्टर और यहां पर सेल ऑर्गेनेल्स और यहां पर इसका डिवीजन म्यूटेशन, सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। प्लास्टिड के बारे में, प्लास्टिड इसका एक विशेष लक्षण होता है, लवक। लवक कितने प्रकार का है, जैसे कि आपका क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारे पॉइंट्स। और यहां पर सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल किस किस में होती है, सारे पॉइंट्स बात करेंगे हम लोग। चलिए अब दोस्तों आगे देखिए, आगे है टैक्सोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी में यानी आपको पढ़ना होगा वर्गीकरण, जहां पर बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, यानी क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी यहां पर जो आवृत बीजी पौधे हैं, जिनके बीजों पर आवरण होता है, उनका क्लासिफिकेशन, जहां पर आपको 15 फैमिली के बारे में स्टडी करनी होगी। अगर 15 फैमिली की हम बात करें तो यह 15 फैमिली स्टार्ट होती है रेनिकुलेसी से और खत्म कहां पर होती है, ग्रैमनी यानी कि पोएसी तक। तो रेनिकुलेसी आपको पढ़ना है, तो रेनिकुलेसी से लेकर के ग्रैमनी यानी पोएसी तक आपको अध्ययन करना है। और फिर अंत में लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, और अंततः हम लोग एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र कि इनकी बनावट कैसे होती है, कैसे इनमें आवरण होता है, कितने बहुवर्षीय है कि एक वर्षीय है, एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है, यानी कि मोनोकॉट या डाइकॉट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो प्लांट मॉर्फोलॉजी, यानी कि पौधे की जो बाहर आपको रचनाएं दिखती हैं वो मॉर्फोलॉजी है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में रूट यानी टाइप ऑफ रूट, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, या जड़ें क्या होती है, प्रकाशानुवर्तन इसमें पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, जलानुवर्तन इसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव होता है, या जड़ों में जो इसके रूट हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जड़ों के प्रकार, जैसे कि ट्रैप रूट क्या है, एडवेंशियस रूट क्या है, ट्यूबरस रूट क्या है, या स्टिल्ट रूट क्या है, क्लिम्बिंग रूट क्या होती है, प्रॉप रूट क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर देखिए स्टेम, दोस्तों स्टेम के बाद पढ़ेंगे कि स्टेम का डेवलपमेंट कहां से होता है, प्लूमूल से होता है या फिर रेडिकल से होता है, इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, या अंडरग्राउंडेड स्टेम क्या है, राइजोम क्या है, बल्ब क्या होता है, स्टेम ट्यूबर क्या होता है, और साथ ही साथ यहां पर दोस्तों हमको पढ़ना होगा कि स्टेम थॉर्न क्या है, ठीक है ना, स्टेम थॉर्न के बारे में सब पढ़ना होगा। देखिए अब लीफ, लीफ का स्ट्रक्चर कंपाउंड लीफ क्या होती है, या फिर कंपाउंड लीफ के साथ साथ सिंपल लीफ क्या है, या फिर यहां पर बल्बिल पूछता है, पत्र पत्रलिका है, लीफ स्पाइन यानी कि पर्ण कंटक है, किस प्रकार से इसमें वैस्कुलर होता है, ठीक है, संवहन होता है, स्टोमेटा के फंक्शन क्या है, और किस प्रकार पत्तियों में फूड स्टोर होता है पौधे का, ये पूरे पॉइंट। और फिर देखिए फ्रूट पढ़ेंगे हम लोग, टाइप ऑफ फ्रूट यानी सिंपल फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, या फिर नट्स क्या है, पोम क्या है, बैलेस्टा क्या क्या होते हैं, हेस्पिरिडियम कौन से फल होते हैं, या किस फल में हम लोग उसका पेरिकार्प खाते हैं, किस भाग कहां पर हम लोग एम्ब्रियो खाते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। फिर देखिए अंतर में क्या है, इनफ्लोरिसेंस है, यानी कि पुष्प के बारे में पूरे पॉइंट्स हमको समझने होंगे। आगे देखिए हम पढ़ेंगे तो क्या है, एम्ब्रियोलॉजी होता है, ठीक है दोस्तों, एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के जो भ्रूण का अध्ययन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के साथ साथ मेगा स्पोरोजेनेसिस आप पढ़ेंगे, और यहां पर ओव्यूल क्या है, स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, ठीक है, साथ ही साथ ओवरी के बारे में, एम्ब्रियो सेक के बारे में, ये सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। अब प्लांट फिजियोलॉजी यानी पौधा जो भी जैविक क्रिया करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस है क्या, किस प्रकार से पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें जल कहां से आता है, वायु कहां से मिलती है, या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या क्या है, स्ट्रोमा के बारे में, ग्रेरा के बारे में, टाइप ऑफ क्लोरोफिल के बारे में सारा स्ट्रक्चर यहां हम पढ़ेंगे। और फिर देखिए रेस्पायरेशन यानी पौधों में श्वसन कैसे होता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम है। 24 घंटे पौधे सांस लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स पौधों में श्वसन क्रियाएं कैसे होती हैं, C4 प्लांट, C3 प्लांट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए ग्रोथ हार्मोन, यानी कि पौधों में वृद्धि और विकास करने के लिए जैसे कि कुछ हार्मोन है जो हानिकारक भी होते हैं लाभदायक भी होते हैं, एब्सिसिक अम्ल है, एथिलीन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, ट्राउमैटिन है, साइटोकाइनिन और फ्लोरोजिन है, ये प्लांट हार्मोन है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। देखिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट यानी कि पौधों के लिए कुछ विशेष प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या क्रिटिकल एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये सारे जो एलिमेंट है पौधों के जैविक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे। और फिर देखिए नाइट्रोजन साइकिल, किस प्रकार से पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, तो वह पौधों को कैसे मिल जाती है इसके बारे में, या नाइट्रिफिकेशन करने वाले एल्गीज और बैक्टीरियाज के बारे में आपको मैं यहां पर बताऊंगा। और देखिए दोस्तों अंततः क्या पढ़ना, हमको इकोनॉमिकल बॉटनी पढ़ना है। इकोनॉमिकल बॉटनी का मतलब यह है कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका इंपॉर्टेंस है हमें जो है अर्थ के क्षेत्र, यानी इनसे हमको बेनिफिट मिलता है, तो इकोनॉमिकल बेनिफिट, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है कुछ पेड़ पौधों का। जैसे कुछ पेड़ पौधों से हमको लकड़ी मिलती है, तो कौन से पौधे की लकड़ी से पेपर बनता है, किस लकड़ी से फर्नीचर बनता है, किस लकड़ी से सुंदरता के सामान बनते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या एल्कोहल, तो किन वृक्षों से हमको एल्कोहल मिलता है, जैसे गन्ने के रस से आपको एल्कोहल मिल सकता है, महुआ से एल्कोहल बन सकता है, तो इनके बारे में। जैसे कि फाइबर, तो रेशे वाले पौधे कौन से, सेमल का पौधा है या फिर कॉटन का पौधा है, तो इन सबसे क्या मिलता है, हमको फाइबर मिलता है, इनके बारे में। स्पाइसेस यानी मसाले, मसाले वाले पौधे जैसे कि कार्डेमम कहां से मिलता है, या फिर हमको साथ ही साथ कार्डेमम के साथ साथ आपको पता है कि सैफ्रोन यानी कि केसर प्राप्त होता है, और क्या होता है लौंग प्राप्त होती है, दालचीनी मिलती है, तो ये सभी किस वृक्ष से प्राप्त होते हैं ये पढ़ना होगा। ऑयल, कौन कौन से वृक्ष से आपको ऑयल मिलता है, तारपीन का तेल है, सैंड्रस ऑयल है, या अन्य जो तेल होते हैं वो किन किन वृक्षों से प्राप्त होते हैं इनको समझना होगा। ड्रग्स यानी औषधियां, तो दोस्तों जैसे कि क्या है, सैफ्रोन भी औषधि है कह सकते हैं, या फिर जो अफीम मिलता है पोस्ते के पौधे से वह भी औषधि के रूप में कार्य में आता है, और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिससे कि हमको बायोडीजल मिलता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब आपसे क्वेश्चन बनेगा यहां पर, तो चिलगोजा किसे कहते हैं, जिम्नोस्पर्म का मेवा है, साइकस को क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म कहते हैं, या फिर हमें हमें साबूदाना कहां से मिलता है, तो साइकस से मिलता है, तारपीन का तेल कहां से मिलता है, तो चीड़ से मिलता है, कुनैन कहां से मिलती है, तो सिनकोना की छाल से मिलती है, सैंड्रस ऑयल कहां से मिलता है, तो देवदार के वृक्ष से मिलता है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन लगातार बनते हैं। तो आज हमने केवल सिलेबस डिस्कशन किया है और परीक्षा के पैटर्न के बारे में पढ़ा है, आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको कोई ना कोई टॉपिक जरूर पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।